hello students welcome at teaching everyone online live tuition youtube channel today we will continue our topic solid state so coordination number in different arrangement coordination number in ccp or fcc or hcp it will be 12 coordination number in bcc it is 8 and coordination number in simple cubic crystal is 6 so here next term is void what is void void is the vacant space it is the vacant space in three dimensional arrangement of constituent particles And voids are of two types. Now voids are classified into two categories. First one is tetrahedral void, second one is octahedral void so tetrahedral void vacant space in arrangement of four spheres and here, vacant space in arrangement of six spheres. How it will be arranged? Let us see. And over this we will place fourth sphere like this so this red color vacant space is called tetrahedral void it is called, called tetrahedral void bt whereas in case of octahedral how it will occur and first arrangement in second arrangement. this one is octahedral void so here coordination number is 6 here coordination number equal to 4 so here we can note that for arrangement of n spheres for the arrangement of n spheres number of octahedral voids is equal to n number of tetrahedral voids equal to 2n now next topic is radius ratio radius ratio so simply radius ratio is the ratio of radius of cation to the radius of anion so for different coordination number and arrangement value of radius ratio are given 0.155 से लेके 0.225 आएगा ट्राइगोनल रीजन में 0.225 से लेके 0.414 आएगा टेट्राहेड्रल रीजन में एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सिक्स 0.414 टू 0.732 एंड फॉर बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर एट वैल्यू इज जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू टू वन दिसल इज इंपॉर्टेंट नैसे क्वेश्चन आता है सपोज अगर आपको रेडियस ऑफ कैटाइन दिया है और रेडियस ऑफ एनाइन दिया है आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कॉर्डिनेशन नंबर क्या है या आपको रेडियस रेशियो की वैल्यू की बने रेडियस ऑफ कैटाइन दिया है रेडियस ऑफ एनाइन आपको निकालना होगा ठीक है इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ऑल्सो ये याद रखना है आपने फॉरनेसियल रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू ए बाई टू फॉर सीजियम क्लोराइड रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू अंडरव थ्री अपॉन टू ये फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से वैल्यू दी होती है आपको ए की वैल्यू दी होती है रेडियस ऑफ केटाइन दिया होता है रेडियस ऑफ एनाइन आपको कैलकुलेट करना है ठीक है और क्वेश्चन ऐसे दिया होता है एनएसीएल टाइप ऑफ क्रिस्टल या सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ क्रिस्टल आईआईटी में क्वेश्चन आता है ये ध्यान रखना कि एनए अब ये जो हमारे पास एन बन रहा है NaCl के पास सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बनता है FCC एफ भी रहता है इसमें BCC भी रहता है और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी बनता है और साथ में FCC भी रहता है और इस केस में इस केस में क्या बनेगा डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सिक्स सिक्स सोडियम आइन्स आर सराउंडेड बाय सिक्स क्लोराइड आइन सो हियर अब इसको मैं इलेबोरेट करके आपको बता रहा हूं कि कौन सा आइन कहां पर प्रेजेंट होता है क्लोराइड आइन आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर sodium ion are at all octahedral sites means at edges center and body center फेस सेंटर एज वेल एज फॉर कॉर्नर यह है एक्चुअल में स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड का इन सोडियम क्लोराइड क्लोराइड आइन प्रेजेंट एट द फेस सेंटर एज वेल एज कॉर्नर सोडियम आइन कहा प्रेजेंट रहेगा इन द एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है आपको और क्वेश्चन क्या बोला था इफ ऑल द आइंस इफ ऑल द आइंस अलोंग वन ऑफ द एक्सिस इफ ऑल द फेस सेंटर्ड पार्टिकल फ्रॉम अलोंग द वन एक्सिस ऑफ NaCl क्रिस्टल आर रिमूव्ड देन बट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी एक एक्सिस के अलोंग फेस सेंटर के पार्टिकल्स को अगर हम रिमूव कर दें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा ठीक है तो एक्सिस जो है वो आपको पता है एक्स एक्सिस के दो फेस आएंगे वाई एक्सिस के दो फेस आएंगे जेड एक्सिस के दो फेस आएंगे जब भी हम क्यूबिकल अरेंजमेंट चेक करेंगे एनएसएल का ठीक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईआईटी में यह क्वेश्चन आ चुका है तो सिंपल याद रखना कि क्लोराइड आइन जो है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे क्लोराइड आइन फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे और सोडियम आइन पे एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे और क्लोराइड कॉर्नर्स पे भी क्लोराइड आइन ही रहेगा नाउ आफ्टर दिस इंपरफेक्शंस इंपरफेक्शंस इनसॉलिड्स सभी ने पढ़ा है इंपरफेक्शंस को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इंपरफेक्शन हमें पता है कोई भी सबस्टांस परफेक्ट सॉलिड कब आता है एट एब्सोल्यूट जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो मीन जीरो पे सबस्टांस इज परफेक्ट सॉलिड लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा उसके केस में इंप्यूरिटीज इंक्रीज करेंगी और डिफेक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं यानी उसे क्या बोलते हैं हम इम्परफेक्शन तो इंपरफेक्शन सॉलिड्स के केस में दो टाइप की आती हैं कौन कौन सी सॉलिड्स के केस में इंपरफेक्शन दो टाइप की आ रही हैं कौन कौन सी इंपरफेक्शन आती हैं एक आती है इलेक्ट्रॉनिक और एक इंपरफेक्शन आती है अटोमिक इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अटोमिक इंपरफेक्शन इज ड्यू टू एटम्स This is due to electrons and this is due to atoms. So, atomic imperfections here atomic imperfections or atomic defects. अगेन आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज स्टॉक्योमेट्रिक और दूसरा कौन सा आता है नॉन स्टॉक्योमेट्रिक स्टॉक्योमेट्रिक हमें पता है जिसमें रेशियो बिटवीन के टाइन एंड ए नाइन इन एन क्रिस्टलाइन सॉलिट रेशियो बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन रिमेन सेम स्टोक्योमेट्रिक जिसमें रेशियो कैटाइन और एनाइन में डिफर करेगी उसे क्या बोलेंगे हम नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट नाउ स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज शॉर्ट की एंड सेकेंड बन इज फ्रेंकल डिफेक्ट अब बात करें हम शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट की तो शॉर्ट की डिफेक्ट के केस में और फ्रेंकल डिफेक्ट के केस में शॉर्ट की डिफेक्ट के केस में डेंसिटी डिक्रीजिस फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन्स सेम in short key defect size difference between cation and anion must be small coordination number must be large so in case of short key defect equal number of cation and anions are missing from their lattice site whereas in case of frankel defect large difference between size of cation and anion एंड इन दिस केस एंड आई एन मिसिंग फ्रॉम इट साइट अक्यूपाइज द इंटर स्टेशल साइट अब इसके केस में फ्रेंकल डिफेक्ट के केस में नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइंस की वैल्यू सेम रहेगी डेंसिटी सेम रहेगी लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर मिसिंग So, इसके केस में डेंसिटी क्या करती है डिक्रीज अब मैं आपको एक डायग्राम से दोनों क्रिस्टल्स को इलाबोरेट कर रहा हूं दो फिगर बना रहा हूं ये हमारे पास सपोज क्या आ रहा है आइडियल सॉलिड दिस इज आइडियल सॉलिट और आइडियल क्रिस्टल और इसके पास किया जाएंगे इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस लाइक दिस कैटाइन एनाइन केटाइन एनाइन एनाइन कैटाइन एनाइन एंड कैटाइन दिस इज आइडियल क्रिस्टल प्योर सॉलेट उसके बाद नेक्स्ट किया जाएगा अब की और फ्रेंकर डिफेक्ट कैसे आते हैं वो देखते हैं इन दिस केस इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर मिसिंग सो अब इसके केस में डिफेक्ट कैसे बनेगा सपोज एक एनाइन मिस कर गया और यहां से एक कैटाइन मिस कर गया साइज डिफरेंस बराबर था ऑलमोस्ट सेम साइज था कैटाइन और एनाइन का तो जब इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग कौन सा डिफेक्ट बनता है ये शॉर्ट की ये बना शॉर्ट की डिफेक्ट लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट की तो फ्रेंकल डिफेक्ट में यहां पे नेगेटिव अब यहां से ये कैटाइन अपनी जगह छोड़ के कहां पे चला गया इस पोजीशन पे चला गया इस साइट को क्या बोलेंगे हम दिस साइट इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट और इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट अब देखो इसके केस में नंबर ऑफ कटाइन एंड नंबर ऑफ एनाइंस रिमेन सेम सच दैट डेंसिटी रिमेन सेम बात करते हैं एग्जांपल्स की तो शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे एनए सी के सी एल के बी आर और फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करें तो इसके केस में एग्जाम्पल्स कौन से आ जाएंगे ए जी सी एल ए जी आई ए जी बी आर तो याद रखना AGBR शोज बोथ शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट में जिंक सल्फाइड भी फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। यह था हमारे पास किसके बारे में स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में सेकेंड बन इज नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट तो नॉन टक्योमेट्रिक डिफेक्ट अगेन आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस सेकेंड वन इज मेटल डेफिशियंट तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप से आता है एक आता है कौन सा एनाइन वैकेंसी और दूसरा कौन सा आता है एक्स्ट्रा केटाइन ऑक्यूपाइज इंटरस्टेशल साइट एक्स्ट्रा केटाइन ऑक्यूपाइज इंटरस्टेशल साइट एंड दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन एंड वेके इलेक्ट्रॉन इज एंट्रैप्टे सिमिलर टू शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा और इसमें क्या एंट्रैप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन इज एंट्रैप्ट टू मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और ये जो इलेक्ट्रॉन एंट्रेप कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं हम एप सेंटर एंड बिनो एप सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्रिस्टेलाइन सॉलिड फॉर एग्जाम्पल इसके केस में कौन सा आ जाएगा अल्कली मेटल हलाइट्स अल्कली मेटल हलाइट्स दे आर कनेक्टिंग इन नेचर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर दूसरा एक्स्ट्रा कैटाइन अकुपाइज द इंटरसिशियल साइट कैटाइन मिसिंग फ्रॉम इट साइट अकुपाइज द इंटरसिशियल साइट सॉरी इन एक्स्ट्रा कैटाइन अकुपाइज इंटरसिशियल साइट extra cation occupies the interstitial site so as to make it electrically neutral electron is entrapped in another interstitial site and in this density is increased and this defect is similar to frankel defect and for this examples are zinc oxide For this example, is zinc oxide or AGBR, AGCL, etc. Next one is metal deficiency. So, this defect is shown by metals which shows. Variable oxidation state, which shows variable oxidation state, for example FeO, FeSO4, Fe3O4 etc. so in this an cation is missing from its site such that another site occupies higher charge this is metal deficiency defect ab isme se is defect se एक numerical बनता है उस numerical को हम discuss करते हैं most important numerical है इससे पहले एक definition impurity defect की impurity defect so those crystals in which on heating foreign particles gets mixed and create defect is called impurity defect for example NaCl containing SrCl2 impurities these are the impurity defect िकल देखते हैं और ये नोमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है सभी नोमेरिकल्स इस टाइप के पैरेलल सॉल्व होंगे इसी तरह सॉल्व होंगे और क्वेश्चन क्या आता है फाइंड फ्रैक्शन ऑफ निकल एज निकल टू पॉजिटिव एंड निकल थ्री पॉजिटिव इन निकल जीरो पॉइंट नाइन एट ऑक्सीजन वन पॉइंट जीरो जीरो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसी के पैरल आपको होमवर्क दे रहा हूं फाइंड फ्रैक्शन ऑफ Fe as Fe2 positive and Fe3 positive in Fe 0.96 oxygen 1.02 ये आपने सॉल्व करना है मैस्ोमेरिकल को आपको बता रहा हूं कई बार ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है मेटल 0.98 ऑक्सीजन तो इसका मतलब मेटल जीरो पॉइंट नाइन एट है ऑक्सीजन वन पॉइंट जीरो जीरो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं सो हेयर निकल जीरो पॉइंट नाइन एट ऑक्सीजन वन पॉइंट जीरो जीरो हेयर Nickel ratio oxygen is 98 ratio 100. We can write it as 98 ratio 100. Means nickel part is 98, oxygen part is 100. Now let nickel exist as nickel 2 positive, it is X. Therefore, nickel exists as nickel 3 positive, it will be 98 minus x. Now, charge on 1 nickel 2 positive is equal to 2. So, charge on x nickel 2 positive is equal to 2x. This is equation 1. Second charge on 1 nickel 3 positive is equal to 3. Charge on 98 minus x nickel 3 positive is 3 into 98 minus x, which is equal to 294 minus 3 x. This is equation 2. Now charge on 1 oxygen. टू नेगेटिव इज -2 चार्ज ऑन 100 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -200 दिस इज इक्वेशन थ्री एज ओवरऑल निकल 0.98 ऑक्सीजन 1.00 पॉइंट इज न्यूट्रल एस अब इसमें क्या सॉल्व करेंगे एस निकल 0.98 ऑक्सीजन 1.00 पॉइंट इज न्यूट्रल सो नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो सो एडिंग इक्वेशन वन टू थ्री बी गेट क्या करेंगे इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री वीगेट टू एक्स प्लस टू नाइनटी फोर माइनस थ्री एक्स माइनस टू हंड्रेड इक्वल टू जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है 94. फोर मींस निकल टू पॉजिटिव की फ्रैक्शन कितनी आ गई नाइन्टी फोर और निकल थ्री पॉजिटिव की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी फोर वॉट इट दिस वॉज द कैलकुलेशन एंड दिस वॉज हाउ दिस क्वेश्चन सॉल्व सिंपल आपको दिया है निकल 0.98 ऑक्सीजन 1.00 निकल और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है 98 रेशियो 100 आप डेसिमल में भी रख सकते हैं तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा अब निकल 98 पार्ट है ऑक्सीजन कितना है 100 तो निकल एक्जिस्ट एज निकल टू पॉजिटिव कितना आ रहा है एक्स निकल थ्री पॉजिटिव कितना आ रहा है 98 एट माइनस एक्स हमें पता है चार्ज एक निकल टू पॉजिटिव पे कितना आता है टू एक्स पे टू एक्स इक्वेशन वन चार्ज ऑन वन निकल थ्री पॉजिटिव थ्री 98 माइनस एक्स निकल थ्री पॉजिटिव पे कितना आ जाएगा टू नाइनटी फोर माइनस थ्री एक्स चार्ज ऑन वन ऑक्सीजन आइटम इट इज माइनस टू सो चार्ज ऑन हंड्रेड ऑक्सीजन आइटमी माइनस टू हंड्रेड एज निकल जीरो मॉलिक्यूल इज ओवरऑल न्यूट्रल सो नेट चार्ज इज जीरो हमें क्या करना है एड करेंगे इक्वेश को और हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वेन वी एड दीज इक्वेशन वी गेट फाइनल रिजल्ट X की वैल्यू 94 मींस निकल निकल टू पॉजिटिव 94 निकल थ्री पॉजिटिव फोर समझाया इतना इज दिस क्लियर टू यू सो नाउ इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक के केस में क्या बनेगा एक आता है कंडक्टर एक आता है इंसुलेटर यह आपको पता है कंडक्टर विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट एंड इंसुलेटर विच कंडक्टर विच अलाउ एंड इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट वेर इज एक और टर्म आती है इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी आती है कौन से सेमी कंडक्टर्स दो सब्सटेंसेस हुज कनेक्टिविटी लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स अगेन आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज एन टाइप सेकेंड वन इज पी टाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम सेमीकंडक्टर्स को यूज करेंगे और याद रखना ग्रुप 14 के मेटलॉइड्स कॉमन रहते हैं तो जब ग्रुप थर्टीन की डोपिंग करेंगे कौन सा बनता है पी टाइप और जब हम ग्रुप फिफ्टीन की डोपिंग करेंगे कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है एंटाइप मीन्स पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज विल क्रिएट एंटाइप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज विल क्रिएट पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर्स ओके अब फिजिक्स में आप इन सेमी कंडक्टर्स को एनर्जी गैप की फॉर्म में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन यहां पे जस्ट इंट्रोडक्शन है कि एन टाइप कैसे बनता है पी टाइप कैसे बनता है तो कॉमन एलिमेंट ग्रुप 14 के मेटेलाइड्स आएंगे और ग्रुप 14 को डोप करते हैं ग्रुप 13 मीन्स ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और ग्रुप 14 को पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के मेटेलाइड्स मीन्स ग्रुप फिफ्टीन के मेटेलाइट के डोप करेंगे तो कौन सा बनेगा एन टाइप ऑफ सेमी नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते हैं कौन कौन सा डाया मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक फैरी मैग्नेटिक एंड एंटी फैरोमैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक दो सबस्टांसिस विच आर वीकली अट्रेक्टेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड डाया मैग्नेटिक फॉर एग्जाम्पल टी आईओ टू एन एसीएल बेन्जीन एटसेट्रा पैरा मैग्नेटिक केस में दो सब्सटांसिस विचार वीकली रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जाम्पल O2, copper 2 positive, Fe3 positive, etc. Whereas ferromagnetic, जिसके केस में permanent magnetic moment आता है even in the absence of magnetic field, तो magnetic moment एक ही side align करेंगे और इसके लिए example बनता है iron, chromic oxide. कॉपर निकल एटसेट्रा इसके अलावा क्या बनाते हैं फैरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और एंटी एक्सपेक्टेड टू मैग्नेटिक बट ड्यू टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट मींस नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ पैरल एंड एंटी पैरल स्पिन ऑफ मैग्नेटिक मोवमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो सो दे आर कॉल्ड एंटी फैरोमैग्नेटिक Substances and for this example, is manganese oxide, ferrimagnetic, which are expected to exhibit large magnetism, but due to unequal number of parallel and anti parallel spins, they have net magnetic moment and less that is called ferrimagnetic substances. For example, Fe2O3, Fe3O4, etc. These are magnetic properties of the solids or crystalline substances. Dielectric properties, so these properties are found in case of insulators. As we know, insulators do not conduct electricity, but under certain condition, they will conduct electricity. और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन दो मेथड से आती है कौन-कौन सी? Piezo, electric substances, या piezoelectric electricity. Second one is pyro. तो पाइजो नाम से पता चल रहा है ड्यू टू मैकेनिकल वर्क एंड पाइरो विच इज ड्यू टू हीट मींस इंसुलेटर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग दैट इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक एंड पाइजो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैकेनिकल वर्क अब मैकेनिकल वर्क का पाइजो सब्सटेंसेस का आपको मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं सपोज आप चेयर पे बैठे हैं और चेयर पे प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठे हैं और हमें पता है प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करता है और पीछे से कोई आपका ब्रदर या सिस्टर टावल से उस चेयर को बीट कर रहा है उसकी बैक को बीट कर रहा है थोड़ी देर बाद आप उसमें क्या देखेंगे कि आप में करंट आता है और वो करंट कौन सा करंट बनता है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी बनती है क्योंकि वहां पे कौन सा वर्क हो रहा है मैकेनिकल वर्क सो दीज आर द डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन डिटेल अबाउट द डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज यू विल स्टडी इन द फिजिक्स पार्ट सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू